उनके सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा एम्बुलेंस के निजी उपयोग की बात सामने आई है। एसडब्ल्यू 24 न्यूज एवं ग्रामीणों की सजगता से यह मामला उजागर हुआ है। उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगता जा रहा है। डॉक्टरों के समय पर नहीं मिलने के बाद यहां के एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा एम्बुलेंस के मनमाने तरीके से संचालन एवं निजी उपयोग की बात सामने आई है। मामला सोमवार की शाम का है, जब उनके तालाब क्षेत्र के रहवासी एक मरीज को लेकर उन प्राथमिक केंद्र लाया गया था तथा मरीज को खरगोन ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। हमारे उन संवाददाता दिनेश दसुंदी द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से इस मामले की ऑनलाइन पड़ताल करने पर एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा अपने स्वयं के रिश्तेदार को मरीज बताकर वाहन ले जाने की बात सामने आई। लोगों का कहना था कि वह अक्सर ऐसे फर्जी आईडी के माध्यम से रात में एम्बुलेंस को अपने घर ले जाता था। इस दौरान पूरे हॉस्पिटल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा भीड़ देखकर एम्बुलेंस ड्राइवर वाहन की चाबी किसी अन्य व्यक्ति को देकर मौके से भाग निकला। हमारे संवाददाता द्वारा एम्बुलेंस के भोपाल स्थित कार्यालय को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन बीएमओ पीयूष पाटीदार द्वारा इस विषय पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही गई है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। कल सुनने में आया है एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा अपने निजी एम्बुलेंस का निजी उपयोग किया गया, आपको ये जानकारी लगी? जानकारी मेरे को ग्रामीणों से ही पता चली है, इसकी जांच के लिए मैंने हमारे जो नोडल हैं उनसे बात करी है, उनको पूरी जानकारी दे दी है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। तो ये जो प्रकरण आया है उसके संबंध में जो सूचना उनको दी है वो मुझे अवगत कराएंगे कि क्या इस प्रकार की कोई घटना हुई है। क्या नाम लिखते हैं डॉक्टर पीयूष पाटीदार के? क्या मामला है 108 जो इमरजेंसी, इसका क्या प्रकरण हो गया? 108 इमरजेंसी का जो ड्राइवर है अजय भार्गव, ये आए दिन यहाँ फर्जी आईडी लगा करके गाड़ी को अस्पताल परिसर से घर ले जाता है या कहीं अन्यत्र जगह ले जाकर खड़ी कर देता है, और यहाँ पर जो पेशेंट वास्तविक में जिस पेशेंट को ले जाना रहता है उसी समय ये इसके परिवार के व्यक्तियों को फ़ोन लगा के बोल देता है कि तुमने 108 पर फ़ोन लगा देना, मैं यहाँ से गाड़ी लेके आ जाऊँगा। आए दिन ऐसा काम करता है। अभी भी उसके परिवार का ही एक है सुशीलापति सुल्तान भार्गव, उसी ने फोन लगाया 108 पर, उसे यहाँ से गाड़ी को बुलवा लिया है। आपको कैसे पता चला है? ये उसकी खुद भाभी से ही हमने फोन लगाकर बात करी है कि आपकी सांस को कहाँ ले गए थे आप, बोले कि नहीं भाई हम ले नहीं गए, हम रायबड़पुरा प्राइवेट अस्पताल में एक है जिसको जगदीश डॉक्टर के नाम से जाना जाता है रायबड़पुरा में, उसके वहाँ ले गए थे। मतलब उसने उसके परिवार से आईडी लगवा, उसके परिवार से ही उसने आईडी लगवा ली, और उसी ड्राइवर ने अजय भार्गव ने स्वयं स्वीकार करा है कि मेरे से गलती हो गई है। भोपाल एचआर जो है इनका अधिकारी है राजपूत जी, उनसे भी मैंने बात करी और उनसे खुद ने इसने कहा है कि मेरी गलती हो गई है, मेरे अच्छा, को एक सबसे बड़ी बात अपने उन अस्पताल में रहता है कि समय पे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। नहीं है डॉक्टर, ही नहीं मात्र एक डॉक्टर है और वो भी आए दिन फील्ड पे रहता है या कहीं ना कहीं मीटिंग में रहते हैं। कोई वास्तविक में है रोड का गाँव है, हाईवे पर है अस्पताल, यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी रहना चाहिए। सुना है सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी डॉक्टर नहीं मिला? वो डॉक्टर तो मिला नहीं, अगर डॉक्टर मिलता तो हो सकता है कि उसके टाइम में इजाफा हो जाता, जान बच सकती थी, जान बच सकती थी, वो डॉक्टर भी नहीं मिला और प्लस एम्बुलेंस भी नहीं मिली। अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि 24 घंटे एम्बुलेंस भी रहे और 24 घंटे डॉक्टर की ड्यूटी भी रहे यहाँ पर। इसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई तो हमने सीएचएमओ सर को भी बता दिया है और माननीय कलेक्टर महोदय से भी हमने बात करी है, उसके बाद भी इसका हल नहीं हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, हाईवे पर अस्पताल है, आए दिन एक्सीडेंट हुए, और अभी वर्तमान में भी एक एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया है, वो प्राइवेट में इलाज करवा रहा है उनमें। आपका क्या नाम है? सुनील पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।